तो फ्रेंड्स आज हम लोग अपने एटीएम कार्ड को ट्रैक करना जानेंगे। उसके पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो मैसेज है, यदि आप स्टेट बैंक में आप अपने एटीएम के लिए अप्लाई किए होंगे तो कुछ इस तरह से आपको ऊपर एसएमएस मिला होगा और स्पीड पोस्ट नंबर आपको इंडिया पोस्ट की तरफ से आपको स्पीड पोस्ट नंबर मिलता हो। उसी स्पीड पोस्ट नंबर की सहायता से हम इस एटीएम को ट्रैक करना सीखेंगे। तो कुछ इसमें जो चीज़ें हैं उसे हमने हाइड कर रखा है, जो मतलब पर्सनली यूज के लिए होता है, आप समझ सकते हैं। तो हम उसे ट्रैक करने के लिए हम अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में हम यहाँ से न्यू टैब ले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से हम सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट। कुछ इस तरह से इंडिया पोस्ट सर्च करने के बाद में हम इसे इस तरह से आ जाएगा, आपको मिलेगा। उसके बाद में ये रहा वेबसाइट www.indiapost.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको चले आना है। जो भी मतलब पोस्ट ऑफिस की जो भी काम होता है इसी एप्लीकेशन पर होता है। यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ें जो है आपको मिल जाता है देखने को। और इससे यदि बारीकी से इस मतलब वेबसाइट को समझना चाहते हैं कि इस आखिर यहाँ पर क्लिक एंड बुक, कैलकुलेट पोस्टेज, फाइंड पिन कोड, लोकेट पोस्ट ऑफिस, इन सारी चीज़ों को यदि आप बारीकी से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं इस पर लगातार मैं आपको वीडियो बना करके समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इसमें आखिर चीज़ें जो है ये सब आखिर है क्या। यहाँ से आप अपने यदि पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करवाया हुआ है तो आप यहाँ से पैसे भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कर सकते हैं, खुद से रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल अपना पेमेंट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से। तो चलिए हम अपना मतलब क्या बोलते हैं एटीएम कार्ड को ट्रैक करके हम आपको सिखाते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको अपना कीबोर्ड में डालना है आपका जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो स्पीड पोस्ट नंबर जो दिया गया है जो मैसेज के थ्रू, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो हम इसे ले लेते हैं। पहले से हम सर्च किए हुए थे तो ये आ गया है, इसे हमें हाइड कर रखा है पर्सनल यूज के लिए। और यहाँ से कुछ कैप्चा, यहाँ पर आपको गणित का सवाल यहाँ पर पूछ दिया जाता है, उसे आपको हल करके यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि 8-1=7 हो जाएगा। 7 डालने के बाद ट्रैक नाउ पर क्लिक कर देंगे। जब ही हम ट्रैक नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यह सर्च कर रहा है। कुछ देर वेट करेंगे तो कुछ इस तरह से यह खुल करके आ चुका है। इसे हम नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा डिटेल्स जो है इसका ब्यौरा यहाँ पर चला आया है कि एटीएम अभी कहाँ पर है। तो यहाँ पर बुक्ड ऑन जो हुआ है या डिस्पैच हुआ 28/11/2019 को इतना बजे, और पिन कोड जो है हमारे एरिया का है, इससे हमने हाइट कर रखा है पर्सनल यूज के लिए। और डेट यहाँ पर त्रिकोलिया ऑफिस यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। करंट स्टेटस आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि अब ये हाँ तो हाँ कहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आप अपने एटीएम कार्ड को स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? फाइनली हमें लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई त्रुटि हुआ हो वीडियो में तो आप मतलब बताइए, और यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे और आपके दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।